बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अंकल से मिलाने वाले हैं जो कि बड़े खास हैं। तो आइए हमारे दादा मुझसे जानते हैं वो कौन है। बच्चों, ये हमारे दोस्त हैं अरशद साहब। ये बचपन से हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं। और ये मेरी होती थी रेडियो की दुकान, बिजली के स्पेयर पार्ट्स की। तो ये वहाँ पर मेरे पास सामान वगैरह, रेडियो टीवी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह देने के लिए आते थे। तो उस जमाने ये मैट्रिक कर रहे थे, साथ साथ ये ट्यूशन भी पढ़ाते थे। माशाल्लाह इनके बड़े अच्छे नंबर आए, इनको TTC में दाखिला मिल गया। फिर हमारे TTC से इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। वहाँ से जो है इनको BE इंजीनियर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, BE इन्होंने किया। खुद एक महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये अपॉइंट हो गए। साथ साथ जो है इन्होंने लॉ भी किया, और फिर उसके बाद इन्होंने वो सरकारी जॉब छोड़ के जो है वो इन्होंने लॉ का चैम्बर बनाया, जो इनकम टैक्स वगैरह के मामलों को डील करते थे। फिर साथ साथ जो है अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ये अपने वकीलों को पढ़ाते भी हैं और लॉ एडवाइज़र भी रहे हैं रेलवे के। फिर उसके बाद जो है इन्होंने अभी माशाल्लाह कल इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि जी मैं आपको मुबारक हो, मैं तो सिविल जज बन गया हूँ माशाल्लाह। मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है, तो आज ही हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इनको, इन्होंने ये कि थ्रू आउट मेहनत की है, पढ़ते भी रहे हैं और पढ़ाते भी रहे हैं, और वो यही अभी तक भी जो है ये माशाल्लाह इनका ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। साथ साथ होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो इन्होंने बहुत से काम किए हैं, अब आप इनसे इंटरव्यू कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको अंकल से मिलवाते हैं। अंकल सिविल जज, हम आपसे पूछना चाहेंगे अंकल, ये सिविल जज होता क्या है? बेटा, ये लॉ ऑफिसर होता है। पहले इसके लिए सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री करनी पड़ती है, आफ्टर इंटरमीडिएट 5 ईयर्स की डिग्री होती है। तो उसके बाद आप LLB जब क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है पंजाब बार काउंसिल से। तो वो जब लाइसेंस आप ले लेते हैं, फिर कुछ अर्सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है वकालत के तौर पे। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम जो है उसमें आप अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको जो है ना पोस्टिंग हो जाती है बतौर जज के। अंकल, ये सिविल जज पे आपको कितनी ज़्यादा, कितने साल लगे कि आपके पूरा सिविल जज बने? हाँ जी बेटा, मैंने अभी बताया है ना आपको कि पहले तो जो है डिग्री आपको LLB की करनी पड़ती है, वो पहले तो 3 ईयर्स की होती थी आफ्टर ग्रेजुएशन, अब आफ्टर इंटरमीडिएट 5 ईयर्स की हो गई है। तो पहले आप FA या FSC करेंगे, उसके बाद फिर 5 ईयर्स की डिग्री होगी। फिर डिग्री पास करने के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वकालत का। लाइसेंस लेने के बाद आपको मिनिमम 2 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बतौर वकील के। तो वो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप जो है वो एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के। फिर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, टेस्ट इसका एग्ज़ाम होगा एक, क्वालिफाई करें, उसके बाद इंटरव्यू पास करें, तो फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या कवानीन है? हाँ, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाए गए हैं, चाइल्ड वेलफेयर लॉज है। तो उनमें जो है, लेकिन यह है कि अवेयरनेस हमारे अंदर काम है, हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हर बंदे को होनी चाहिए, ताकि हम वो जो कवानीन बने हुए हैं, कवानीन तो अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमें अगर अवेयरनेस हो तो हम उन कवानीन से बहुत अच्छी तरह उनको फ़ायदा उठा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उनको, ठीक है। यानी इसके लिए आम आदमी को भी ला नोइंग होना ज़रूरी है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक बंदा ला का स्टूडेंट हो तो वही ला पढ़े, हर आदमी को ला पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। अंकल, आप बच्चों किसी पाकिस्तान के नागरिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, यह देना चाहूँगा कि मेहनत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है तालीम का, चाहे कोई भी फील्ड है, खाली ला की बात नहीं है, कोई भी फील्ड है उसमें मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़े, आप दिन रात मेहनत करें और फिर आप अपने फील्ड में जो भी आपका
रेलिवेंट फील्ड है उसमें आप जो है स्किल हासिल करें। ठीक है बेटा, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अंकल आपका, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने के लिए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।